शाहरुख खान को जाना पड़ सकता है जेल। बायजूस के फर्जी विज्ञापन मामले में 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बायजूस के फर्जी विज्ञापन से जुड़े मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के उपभोक्ता आयोग की तरफ से। ये नोटिस पिछले साल नवम्बर में जारी किया गया था, जिस पर आज 12 जनवरी को सुनवाई होनी थी। और इस मामले में शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी समेत 7 लोगों ने अपने अधिवक्ता के जरिए से उपस्थिति दर्ज करवाई थी। और अब इस मामले में 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि यह मामला सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। ये मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमशाद अहमद ने एक शैक्षणिक संस्थान के मुजफ्फरपुर शाखा में अपने बच्चों का दाखिला करवाया था, साथ ही नामांकन के समय शुल्क भी जमा करवाया था। इसके बाद उनके बच्चों ने पढ़ाई की। संस्थान से संतुष्ट न होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में फरियाद दायर की थी, जिसमें एक्टर शाहरुख खान और फुटबॉलर मेसी और संबंधित कंपनियों के डायरेक्टर मैनेजर के साथ ही 7 लोगों को नोटिस जारी किया था। चूंकि ये सेवा में कमी और विज्ञापन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एक्टर और फुटबॉलर को संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण उन्हें ये नोटिस जारी किया। और इस केस में आज सभी आरोपियों में अपने अधिवक्ता के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और न्यायालय ने अगली सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शाहरुख खान मेसी सहित सभी 7 लोगों के ऊपर अंतरिम सुनवाई तक मामला चलेगा, और अगर इसमें कोर्ट की बात नहीं मानी गई तो फिर आरोपियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।